हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप लोगों ने कई बार मुझसे वीडियो में पूछा था कि सर अविटा मेगस को खोल के दिखाओ, और अविटा मेगस के अंदर है क्या। सो मैंने काफी टाइम तक मना किया था इस चीज को। मैंने कहा जब तक मेरा टैबलेट नया है मैं इसको खोलने वाला तो नहीं हूं, बट फिर भी। आपको ये भी पता होगा, रिसेंटली मैंने अपना कीबोर्ड रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाली थी। टेक्नीशियन आए थे, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। सो आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, बट उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मदरबोर्ड और कीबोर्ड रिप्लेस हो चुका है। बट उससे पहले, जब ये मेरा अविटा मेगस खुला है, तो आई थिंक अब मैं आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ कि अविटा मेगस के अंदर क्या है। सो ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलने वाला है कि अंदर क्या कॉम्पोनेंट्स है अविटा मेगस के। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। ये आपका स्टोरेज वगैरह सब इसके अंदर है। यहाँ पे ये प्रोसेसर मदरबोर्ड है है, अपना। ये अपना मदरबोर्ड है। इसके अंदर ही रैम, रैम का चिप है, प्रोसेसर का चिप है, प्लस इनबिल्ट जो भी स्टोरेज है उसका, जो हार्ड डिस्क का जैसे SSD, वो भी यहाँ पे ही है, अंदर ही सब इसके अंदर ही है। ठीक ओके। है, जब हम लोग जब यूज़ करते हैं तो गर्म होता है प्रोसेसर, ठंडा करता है इसके वजह से, क्योंकि कॉपर का प्लेट है जो ठंडा करता है। ज़्यादा गर्म होने के से ये हीट सिंक रहता है, वो उसको कंट्रोल में रखता है, तो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। जब हैवी यूसेज होता है तो गर्म होता है, तो गर्म यहाँ पे इसके वजह से होता है क्योंकि प्रोसेसर गर्म होता है, क्योंकि इसमें फ़ैन नहीं है, अच्छा, इसमें फैनलेस डिवाइस फैनलेस डिवाइस है, मतलब वो एसी फैन जैसा है। है। गर्म होता नहीं ज़्यादा क्योंकि इसके ऊपर कॉपर प्लेट लगी हुई है, इसके से ज़्यादा गर्म होगा तो ये ठंडा रखता है। ये हीट कंट्रोल का मेथड है हीट इसमें। कंट्रोल का मेथड है, सो इसमें रैम, स्टोरेज, ये सारी सब इनबिल्ड चीज़ें है, मदरबोर्ड पे आ गया। मदरबोर्ड आ गया। और ये है अपना बड़ा सा जो ये ब्लैक बैटरी बॉक्स है, है, ये अपनी बैटरी है। बैटरी कुछ है, आइडिया भैया कितनी बड़ी है ये बैटरी ये बैटरी इतना से कितनी बड़ी है, ये MAH के हिसाब से? MAH के हिसाब बिकॉज मैंने से 4900 हाँ फोर्टी MAH की। नाइन मतलब 5000 mAh पकड़ लो, सो आप 100 mAh अगर आप कम, फाइव देखेंगे, ये है 5000 mAh mAh की की बैटरी, बैटरी ठीक है। ये। और इसमें बाकी रिबन्स तो हम लोगों ने देख ही लिए थे, जो कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड वगैरह को। और ये कौन सा स्लॉट है ये वाला, ये आपका है, कैमरे का? आई थिंक सो ये कैमरे का हाँ मॉड्यूल कैमरे होगा। का, और प्लस आपका टच पैड जो है, टच पैड कैमरा क्या, और टच टच पैड इस मॉड्यूल से। इस मोड में। ये एक ऐसा डिस्प्ले और टच पैड आपका जॉइंट है ना, तो अच्छा, एक डिस्प्ले का यहाँ पे है और टच पैड का यहाँ पे है। ओके। टच पैड, कैमरा और वाईफाई का यहाँ से होता है, मदरबोर्ड पे गया हुआ स्ट्रिप, यहाँ से एक स्ट्रिप गया इधर, और ये हो गया उसका मदरबोर्ड, छोटा सा कैमरे चिपा का, कैमरा, और प्लस आपका टच पैड का मदरबोर्ड है ओके। जो यहाँ से टच हो गया मदरबोर्ड में गया है, यहाँ से नीचे से। ये देखो उसका स्ट्रिप का क्लिप यहाँ पे है। अच्छा, तो ये काफी लोग मुझसे पूछते हैं, रैम अपग्रेड हो सकती है नहीं इसकी? नहीं इसकी में कुछ अपग्रेड ठीक नहीं होएगा, जो है वो इनबिल्ड ओके। है, और रैम भी नहीं होगी ना और रैम है, स्टोरेज भी स्टोरेज भी नहीं नहीं होगा, होगी? कुछ भी नहीं। ठीक है, फाइन। स्टोरेज के लिए आपको एक्स्ट्रा आप लगाते हो मेमोरी कार्ड, वही लगा मेमोरी सकते कार्ड हो, जो भी आएगा। कितना इनबिल्ड रहेगा वो डाल सकते हो। ठीक है। सो फाइनली मेरे ख्याल से भैया ने हमें सब कुछ बता ही दिया है इसके बारे में। अब इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग। थैंक यू भैया। हाय फ्रेंड्स, तो ये तो आपने देख लिया कि अविटा मेगस के अंदर क्या क्या है कंपोनेंट्स में। और मैं अपना अगला वीडियो भी डाल रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा जो हमारी टेक्नीशियन जो हमारे साथ आए थे उनके साथ की पूरी बातचीत, और कैसे उन्होंने मेरा मदरबोर्ड और कीबोर्ड रिप्लेस किया। कीबोर्ड रिप्लेसमेंट तो जस्ट काफी इजी है, बस नया कीबोर्ड लगाओ, चलता बनेगा। मदरबोर्ड उन्होंने जब खोल के दोबारा नया लगाया, उसके बाद विंडोज कन्फिगर करी, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगला वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।